तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। फैक्टर डार की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, GTA San Andreas एक ऐसा गेम जो कि अपने समय के सबसे ज़्यादा फेमस गेम्स में से एक था, और मुझे भी लगता है कि आपने कभी ना कभी ये गेम ज़रूर खेला ही होगा। दोस्तों, भले ही आज के ज़माने में GTA 5 क्यों ना आ गया हो, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी GTA San Andreas पहली पसंद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे GTA San Andreas के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मुझे लगता है बहुत कम ही लोगों को पता होंगे। दोस्तों, वैसे तो मैंने GTA 5 के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 15। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गेम की तीनों सिटीज रियल लाइफ लोकेशंस पर बेस्ड हैं। दोस्तों, इस गेम में लॉस सैंटोस लॉस एंजेलिस को रिप्रेजेंट करता है, लास वेंटुरस लास वेगास को रिप्रेजेंट करता है, और सैन फेरिनो सैन फ्रांसिस्को को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 14। दोस्तों, क्या आपको पता है कि GTA 5 की तरह ही GTA San Andreas का भी सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट शिलियाड ही है। नंबर 13। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिलीज से लेकर आज तक GTA San Andreas की करीब 27.5 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। नंबर 12। दोस्तों, आप लोगों ने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि GTA San Andreas में भी इसे फीचर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, GTA San Andreas में एक जगह है जिसका नाम एरिया 69 है, जिसे कि एरिया 51 की तरह ही रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी GTA सीरीज में GTA San Andreas अकेला ऐसा गेम है जिसमें कि आप अपने कैरेक्टर की बॉडी बिल्ड करवा सकते हो। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गेम में पूरे 200 से भी ज़्यादा तरीके के व्हीकल्स पाए जाते हैं। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप इस गेम में रात के वक्त में स्नाइपर राइफल से मून पर शूट करोगे तो उसका साइज बड़ा भी हो जाता है। अब ये कोई बग है या फिर क्रिएटर्स ने इसको जानबूझकर डाला है, ये तो मुझे भी नहीं पता। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गेम के लॉस सैंटोस सीमेंट्री में एक ग्रिफ्टी है जिस पर लिखा हुआ है फैमिलीज फॉर लाइफ, जो कि दोस्तों सिर्फ रात को 8 बजे और सुबह 6 बजे ही दिखती है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी गेम खेलते वक्त ध्यान दिया है कि इस गेम में काफ़ी जगह पर रॉकस्टार गेम्स का लोगो भी बना हुआ है। जैसे कि दोस्तों, जब गेम की शुरुआत होती है तो CJ जब एयरपोर्ट से जा रहा होता है तब उसके हाथ में जो सूटकेस होता है उसमें रॉकस्टार गेम्स का लोगो बना हुआ होता है, और कभी आप अगर रात में आसमान में देखोगे तो आपको काफ़ी बार R भी बना हुआ दिख सकता है। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गेम में पोकेमोन को भी फीचर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, लॉस सैंटोस के ईस्टर्न साइड्स में आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जिसमें कि पोकेमोन के मेन कैरेक्टर एश की पिक्चर्स लगी हुई होंगी। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गेम में एक ब्लैक प्रोजेक्ट नाम का एक मिशन है जिसमें कि आपको एक टेबल पर क्रोबार स्पॉट होता है। क्या आपको पता है कि ये 1998 के गेम हाफ लाइफ का एक छोटा सा रेफरेंस है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गेम में GTA Vice City के मेन कैरेक्टर टॉमी वर्सिटी का भी एक बहुत छोटा सा रेफरेंस दिखाया गया है। दोस्तों, गेम में एक मिशन है जिसका नाम है द मीट बिजनेस, जिसमें कि दोस्तों कैन रोजनबर्ग CJ को गलती से टॉमी वर्सिटी बुला देता है। अगर आपने ये सीन नहीं देखा तो इस क्लिप में आप ये सीन देख सकते हो। Yes. Tommy Vercetti, please. Tell him Ken Rosenberg called. Oh, exciting, Tommy. It's like old times. Who the fuck is Tommy? नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गेम में एक लास वेगास के चर्च को भी मेंशन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस गेम के शहर लास वेंट्रस में एक चर्च है जिसका नाम द ब्लैकफील्ड चैपल है, और दोस्तों रियलिटी में इस चर्च का नाम गार्डियन एंजल कैथेड्रल है। नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब GTA San Andreas को बनाया जा रहा था तब वो अपने समय का सबसे ज़्यादा महंगा गेम था। दोस्तों, GTA San Andreas को बनाने में उस समय करीब $100 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आया था। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हो कि आप में से बहुत से लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपनी वीडियो में। नंबर 1। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि एक बार सैन फ्रांसिस्को में बहुत तगड़ा भूकंप आया था जिसने कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। दोस्तों, इसी चीज़ को GTA San Andreas में भी मेंशन किया गया है। दोस्तों, GTA San Andreas के शहर सैन फेरिनो में आपको ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स दिख जाएंगी जो कि आधी टूटी हुई होंगी, और हो सकता है कि आपने कई बार न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी सुना हुआ हो। अगर आपने नहीं सुना तो ये क्लिप देखिए, आपको पता चल जाएगा। It's still strictly limited following last month's earthquake. Officials are not confident as to when things will open up again. तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।